स्वागत है दोस्तों आप लोग का एक और शानदार दिन में। दोस्तों आज तक हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी अजीबोगरीब चीज देखी होगी, लेकिन आज के दिन हम लोग कुछ ऐसे क्रिएटिव लोग को देखने वाले हैं जो लिटरली नेक्स्ट लेवल पे है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हमारे सामने एक बंदा है जो अपने हाथों को कितना अजीब तरह से मोड़ सकता है। यार ये बंदा लिटरली कितना टैलेंटेड है। ओके यहाँ पे एक लड़की है, इसने अपनी आंख की आईबॉल को लिटरली गायब कर दिया। यार ये तो एक जीती जागती भूत है, कोई इसे रात में देख ले तो एकदम डर जाएगा। यार सही में ये काफी अजीब है। ओके यहाँ पे एक बंदा है, यो ये कितने आसानी से ऊपर उड़ जा रहा। अरे भाई मेढक है क्या तू? चलो कोई नहीं, ये काफी टैलेंटेड है। ओके एक लड़की है, इसने अपने पैर को एक रबर बैंड की तरह कैसे मोड़ दिया यार। ओके ये रही लड़की, इसने अपने पैर को कैसे मोड़ लिया यार, ये काफी दर्दनाक जैसा लग रहा। My God, उसने कितना परफेक्ट सर्कल बनाया सिर्फ अपने हाथों से। यो इसे कहते हैं रियल टैलेंट। ये क्या मजाक है यार, ये अपनी आंखों को कितना बाहर निकाल सकता है। हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन ये बंदा लिटरली जीता जागता भूत है। ओके यार ये है काफी वियर्ड। ओके भाई साहब इस बंदे ने सिर्फ जंप लगा के दूसरे बंदे के कंधे पे खड़ा हो गया। यार इसके लिए काफी ज्यादा जिम की प्रैक्टिस चाहिए। ये क्या अपना पैंट चेक कर रहा है क्या कि कहीं? अरे रुको मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा पैंट गंदा तो नहीं है। यार कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। ओके इसके हाथ में एक धागा है, इसने अपने मुंह के अंदर एक पूरा नॉट बना लिया। ओके भाई साहब ये बंदा इतना ताकतवर है कि उसने पेन को लिटरली मोड़ दिया। ओके ये क्या उसने फोड़ा, फिर से देखते हैं। एक बेसबॉल बैट है यार, कितना दर्द हुआ होगा। ओके वो अंडा नहीं फोड़ पाया, लेकिन ये बंदा, यार मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं एक अंडे को फोड़ने में ना हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये बंदा कितने आसानी से अंडा फोड़ दिया। ओके एक साधु जी है, अबे यार ये कोरियन और जापान वाले लोग तो अलग ही लेवल के होते हैं, एक इतनी ऊंची चढ़ाई को वो कितने आसानी से पार कर रहे। यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो कि केला खा रहे। अबे तू आदमी है कि एलियन है? इसने कितना जल्दी उसे डाइजेस्ट कर लिया, फिर से देखते हैं। यार वो पेट के अंदर चल गया, ये बंदा भी खा ही रहा है। यहाँ पे एक बंदा है, उसने 3, 4, 5, 6 प्लेट को एक साथ ले लिया। वैसे एक गलती और काम तमाम, बॉस बोलेगा निकल काम से बाहर निकल, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुंफू मास्टर है। यो 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 अरे उसने कितना कड़क निशाना लगाया यार, रुको फिर से देखो। यो 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 तालियां दोस्तों, तालियां, इसे तो तालियां बनती है। यहां पे एक बंदा बैठे बैठे कितना सारा बैक फ्लिप कर लिया, ऑसम। ओके ये सर्फिंग कर रहा है मेरे ख्याल से, इसे सर्फिंग कहते हैं। यार वो सिर्फ अपने पैरों की मदद से सर्फिंग कर रहा था, कितना मस्त स्केटिंग कर रही है बिना किसी कोई गड़बड़ के।
एक जापानीज लड़की है यार, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये कैसे कर ले रहे ये दोनों लोग। वो उसके ऊपर बैठ गई यार, तुझे तो मजा आ रहा उस बेचारे को सजाए। ओके दोस्तों, साइकिल को देखो, लड़की को नहीं। यार कितने आसानी से घुमा ले रे। अरे 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 यार, वो एक भी बार गिर नहीं रहा। यहाँ एक मैडम है, हेलो मैडम, सैल्यूट। ये एक टेबल को नचा ले रही है। वैसे यार ऐसा टैलेंट रख के लोग करेंगे क्या, कोई पूछेगा बेटा तुम क्या करते हो? मैम मैं तो जो है टेबल को नचा लेता हूँ। यार ये भी कोई टैलेंट हुआ। ओके एक बंदा है। अबे यार हमारी आंख में एक आई बॉल होता है, लेकिन अबे फिर से देखते हैं, इस बंदे के पास 1 2 3 4 आई बॉल है। यार ये इतना आई बॉल आ कहां से रहा है? एक लड़की करतब कर रही, उसके पास काफी सारे रिंग है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 रिंग है लगभग। यार मैं तो जिंदगी भर भी ट्रेनिंग करूं लेकिन तब भी इतना शानदार करतब नहीं दिखा सकता। भाई साहब इसका जो सिर है वो एक तरफ स्टेबल है और पूरी बॉडी हिल सकती है। यार देखने में लग रहा कि कितना हार्ड होगा। ओके इसके पास एक स्टिक है और उस स्टिक को कितना तेज नचाया उसने। एक्स है उसके पास एक। हाँ ये था क्या? फिर से देखते हैं, उसने एक्स को सही निशाने पे फेंक दिया। ये ईंट तोड़े जा रहा। अच्छा वो दिखा रहा कि देखो मेरा अंडा नहीं फूट रहा लेकिन ईंट फूट जा रहा। उसने ग्लास फोड़ा, लकड़ी फोड़ा। भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये लकड़ी फोड़ के लोग करेंगे क्या? ये लड़की अपने पैर को कितना ज्यादा पीछे की तरफ बेंड कर सकती है। इस बंदे ने कितना सारा चाउमीन एक साथ खा लिया। अरे भाई प्लीज सांस ले ले तू, मेरे को 2 मिनट का मैगी खाने में 2 घंटे लग जाते हैं। ये बंदा 1 मिनट भी नहीं, लिटरली 2-3 सेकंड में। यार ये कितना अनकंफर्टेबल लग रहा देखने में। उसने एक एप्पल लिया मुंह के अंदर। ओके करना क्या चाहता है? उसने पूरा एप्पल अपने मुंह के अंदर भर लिया। शानदार शानदार शॉट। ओके इसने पत्थर फेंका, कितना दूर गया वो। तालियां मेरे दोस्त। ओह यार इसे कहते हैं टैलेंट, ये मुझे बहुत पसंद आया। कितना मस्त तीर उसने मारा कि वो जो सीढ़ी है उसके बीचों बीच में से गया। ऑसम ऑसम। ओके ये बंदा मेरे ख्याल से दोस्तों पिछले जन्म में मेढक रहा होगा। लेकिन दोस्तों मजाक से हटके, इसको ऐसा करने के लिए ना बहुत सारी ट्रेनिंग लगी होगी। यो यो शानदार बैक फ्लिप। ओके ये सीढ़ी से, मेरे ख्याल से सीढ़ी से ये नॉर्मली नहीं उतर सकता, इसे तो कूल बनना है। ये तुक्का हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। नहीं यार ये तुक्का नहीं है, ये टैलेंट है क्योंकि बार बार वो मार ले रही। उसने पूरा बोल्ड कितने तगड़े तरीके से नचाया। ये यार ये सब हरकत तो मैं अपने क्लास में 3rd में किया करता था। हटो हटो बेटे, मेरे सामने कूल मत बनो। ओके ये बंदा एक हाथ से पुशअप कर रहा,
यार पुशअप तक तो ठीक है, लेकिन इसने अंडा क्यों फोड़ा? फिर से देखते हैं। अच्छा, वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बिना गिरे अंडा भी फोड़ सकता हूँ, पुशअप भी कर सकता हूँ। ये बंदा ट्रेडमिल पे दौड़ रहा। यो रॉकेट स्पीड, आज अपना भाई लाइट से भी तेज स्पीड पे दौड़ेगा। ओके, ये बंदा मून वॉक कर रहा है, सबके सामने कूल बनना चाहता है, इम्प्रेस करेगा लौंडा। ओके, वैसे मून वॉक ऑसम था यार। ये जो पैरों को ऐसे फैलाना ना, बहुत गंदा लगता है देखने में, करता अच्छा था। ओके, यहाँ पे एक मिलिट्री का बंदा है, नीचे के तरफ जो प्लेटफॉर्म था वो गिरते जा रहा था। ये देखो ये प्लेटफॉर्म गिरते जा रहा, लेकिन बंदा लास्ट तक टिका रहा। इसने कितने सारे, 1, 2, 3, 4 बंदों को एक साथ गोद में उठाया है यार। तब घोड़ों की क्या जरूरत है, हम लोग इंसान की सवारी कर सकते हैं। दो हाथ से ये पुशअप करना चाह रहा, नहीं वो दो हाथ से अपने पूरे बॉडी को उठाया था। यहाँ पे लड़की ने बिना बोतल गिराए ढक्कन को हटा दिया। यो, ये अच्छा था गुरु। ओके, मेरे को लगा ये सुसाइड करने गया, लेकिन सुसाइड के बजाय ये बंदा मून वॉक करने लगा। नाइस ड्यूड, नाइस। यार इन लोगों के लिए ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रेविटी सिर्फ मेरे लिए एग्जिस्ट करती है। ऑल राइट दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सारे क्रिएटिव पीपल के वीडियो काफी ज्यादा ऑसम थे। और हाँ, तुम्हें अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, और जल्दी से वीडियो पे लाइक कर दो, वरना मैं घर में घुस के तुम्हें मार दूंगा। तो चलो, मजाक से हटके वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पीस।